राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज है। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी वाजिब दाम, राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदाबहु मंदिर कॉम्प्लेक्स घंटाघर के पास दमोह। खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से रायचौरा। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका दमो। दमो शहर की पहचान कहे जाने वाले ऐतिहासिक महत्व के साथ धार्मिक महत्व का फुटेरा तालाब इन दिनों दुर्दशा के दौर से गुजर रहा है, जिसको लेकर अब लोगों में चिंता बढ़ने लगी है। जिम्मेदार नगरपालिका की उदासीनता के चलते तालाब खतरे में है। दरअसल फुटेरा तालाब दमोह के स्वर्णिम इतिहास का उदाहरण है और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस टैंक को संरक्षित किया गया है। तालाब किनारे स्थापित भगवान विष्णु की वराह अवतार की प्रतिमा को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ब्यूरो ने धार्मिक महत्व का स्मारक माना है। इस तालाब में हर साल गणेश और दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन भी होता है और तालाब धार्मिक आस्था का प्रतीक। लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता, लिहाजा चारों तरफ गंदगी का आलम व्याप्त है और पानी जहरीला होने के साथ ही बदबू मारने लगा है। बीते साल स्थानीय युवाओं ने स्वयं सेवक बनकर तालाब की सफाई की और इसे बचाने की कोशिश की, जो कोशिश रंग भी लाई। लेकिन पिछले महीनों में पहले गणेश प्रतिमाओं और फिर बड़ी तादाद में देवी प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद तालाब की हालत खराब हो गई। स्थानीय युवाओं ने मांग उठाई तो प्रशासन ने चुनावी व्यस्तताओं को बताकर ध्यान नहीं दिया। जब थोड़ा दबाव बना तो कुछ घंटे सफाई की औपचारिकता करके नगर पालिका ने पल्ला झाड़ लिया। एक बार फिर इस तालाब को बचाने की मुहिम से जुड़े युवा मांग ही नहीं कर रहे बल्कि खुद आगे आए हैं। युवाओं ने अपने स्तर पर तालाब का कचरा पानी से बाहर निकाला है और गंदे पानी में चूना डालकर पानी को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम फुटेरा तालाब पर पिछले कई दिनों से हम लगातार तालाब की सफाई कर रहे हैं। तालाब गंदगी से भरा पड़ा है। प्रशासन को इसको लेके पूर्व में भी हमने वीडियो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से खबर गई। नगर पालिका ने काम किया आधा अधूरा। अभी वर्तमान में ये स्थिति है कि घाट पे खड़े होने की जगह नहीं है, बदबू से भरा पड़ा है। बदबू ख़त्म करने के लिए आज हम लोग ने करीब 200 किलो चूना हमने इसमें डाला है। प्रशासन से अभी हम लोग अनुरोध करते हैं कि कृपया कर एकमात्र जल स्रोत है, ऐतिहासिक तालाब है, इसको संरक्षित करने में कोई लापरवाही ना बरतें और यथाशीघ्र तालाब को साफ कराने के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करते हैं।